प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से अच्छी तरह से लड़ रही है। वहीं कांग्रेस को लेकर भी मंत्री सारंग ने निशाना साधा है। मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने सरकार की सभी योजनाएं बंद कर दी थी। जब सीएम शिवराज ने भार संभाला तब फिर एक बार विकास की गंगा बहने लगी। इस दौरान मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की मुख्य गुण यही है कि प्रशासकीय सुव्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं और हमने देखा कि 15 साल हमारी सरकार रही, मध्य प्रदेश में विकास की गति लगातार बढ़ती रही, प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर भ्रष्टाचार मुक्त होकर मध्य प्रदेश में विकास के नए अवधारणा को स्थापित करता रहा। 13 महीने कांग्रेस की सरकार आई, विकास की गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई, भ्रष्टाचार आखंड में डूब गया। जिस सरकार में कांग्रेस की सरकार में यदि चपरासी से लेकर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक की नियुक्ति जब पैसे से होती थी तो वहाँ पर हम सुव्यवस्था की परिकल्पना नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है। हमने कोरोना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए हैं, हर जिले में बनाए हैं और उसके माध्यम से होम आइसोलेशन में रहने वाले जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं उनसे दिन में 2 बार बात होती है। उनकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है इसका पूरा परीक्षण डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, उनके घर में ये स्थिति है या नहीं कि वो आइसोलेट हो सके, उनको दवाइयों के किट हम दे रहे हैं। ऐसी कोई कुव्यवस्था की स्थिति मेरे सामने नहीं आई है। वहीं कोरोना को लेकर मंत्री ने कहा कि कोरोना से हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।